हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना होलसेल बिजनेस के बारे में। बहुत लोग ऐसे हैं जो होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इस पर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, चैनल पर बहुत अच्छी चली है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर अभी भी, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं, उनके पास पुरानी वीडियो नहीं पहुंच पाती है या उसकी रीच नहीं उतनी हो पाती है, तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और लोग अलग अलग वीडियो में कमेंट करते रहते हैं कि सर होलसेल का बिजनेस हम कैसे करें, कितना लागत लगेगा, कितना पैसा हम कमा सकते हैं इस बिजनेस में, कहाँ पर हमें करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज सारा चीज हम एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस सारी चीज़ों को कैसे आप शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वीडियो को पूरा यार इत्मीनान से अच्छे से बैठ के पूरा देखिएगा। सबसे पहला, अगर आपको होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है किराना जनरल स्टोर का, तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। अब मार्केट रिसर्च कैसे होगा, कहाँ पे हमें खोलना चाहिए, ये चीज हमें देख, एक अच्छी लोकेशन का चयन करिए। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुकान हो, अगर आप एक अच्छी जगह पर शुरू करते हैं तो नो डाउट उस बिजनेस की चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उस बिजनेस को जब चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो आप ज्यादा सेल कर पाते हैं, और ज्यादा सेल कर पाते हैं तो आप ज्यादा कमा पाते हैं, ठीक है। सिंपल चीज है, इस चीज को समझिएगा। मार्केट रिसर्च, क्योंकि आप एक होलसेलर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी छोटी छोटी जो किराने दुकानें हैं, जो घूमती हैं, जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं, जो किराने दुकानें हैं, जो गांव में है, मोहल्ले में है, ठीक है, इधर उधर हैं, तो वो आपसे कनेक्ट होंगे और वो सामान लेके जाएंगे आपसे, ठीक है। होलसेलर का मतलब इतना ही। तो आपको ऐसी जगह पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सराउंडिंग के रिटेलर आपसे जुड़ सके। अब ऐसा नहीं हो कि एक किनारे बैठे हो और वहां से ज्यादा रिटेल की दुकान ही नहीं हो, कुछ गांव भी बहुत कम हो, छोटे मोटे गांव हो, तो आप कितना सेल कर पाएंगे, क्योंकि होलसेल में मार्जिन बहुत कम होती है। आगे हम आपको बताएंगे सामान आप कहाँ से लेंगे, ये भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो एक मार्केट में रिसर्च कर लें, ठीक ठाक जगह हो, अगर आपको लगता है कि ये जगह बढ़िया है, क्योंकि ये देखिए आप बहुत ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब हर जगह लोकेशन अलग अलग होता है, आप अपने लोकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो आपको करना पड़ेगा कि भाई अच्छी लोकेशन का चयन करना पड़ेगा। देखिए, दुकान में अगर गोडाउन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एक दुकान के साथ साथ एक गोडाउन आपको होना चाहिए। तो पहला काम आप कर लें, दुकान गोडाउन अगर एक में मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो अलग अलग रख लें, क्योंकि होलसेलर है तो स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। हाँ भाई, दुकान ठीक ठाक है, अगर आपको लग रहा है एक दुकान में हम काम चला लेंगे तो शुरुआत में गोडाउन न रखिए, पहले दुकान चलाए, जब जरूरत हो या ज्यादा बिक्री हो, ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट हो, ज्यादा मेल हो जाए तो आप गोडाउन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब भाई मार्केट रिसर्च हो गया, दुकान गोडाउन भी आप लोग ले लिया, तो तीसरा काम अब आपको करना है लाइसेंस। लाइसेंस के लिए आपको जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप माल की खरीदारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि माल आपको एजेंसी के थ्रू आएगा या फिर स्टेट से बाहर से भी आ सकता है, कुछ प्रोडक्ट आप कहीं से भी मंगाने के लिए आ जा रहे हैं, इस वजह से जीएसटी नंबर होगा जिससे आप माल खरीद पाएंगे, ठीक है। और फूड लाइसेंस भी आपको FSSAI लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थ जो भी लोग बेचते हैं उनको ये फूड लाइसेंस अनिवार्य होता है, अगर ये नहीं करते हैं तो अच्छा खासा चालान कट जाएगा आपका, तो ये दोनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। अब चौथा काम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको दो जगह करना है, पहला इंटीरियर, भाई दुकान बना रहे हैं तो इंटीरियर में करना पड़ेगा, दूसरा आपको सामान भरना पड़ेगा। तो इंटीरियर में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, इंटीरियर में रैक बनवाएंगे आप, काउंटर बनवाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, ठीक है, फैन वगैरह लगाएंगे, चेयर रखेंगे, बहुत सारी चीजें और भी छोटी मोटी चीजें करेंगे जो जरूरत होती है दुकान के लिए। तो ये सारी चीजें करने में जो आपका जो पैसा लगने वाला है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया लगने वाला है। अब 2 से 2.5 लाख रुपए में आप के ऊपर है कि आप कितना बड़े में बना रहे हैं, कैसा रैक बना रहे हैं, मतलब प्लाईवुड का बना रहे हैं या फिर आप एडवांस स्टोरेज वाला रैक बना रहे हैं या फिर प्लाईवुड का बना रहे हैं, तो सबका कास्ट अलग अलग है। तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रैक में लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप सामान में कितना लगाएंगे भाई, देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप सामान कर रहे हैं तो आपको पूरा मेल लगाना पड़ेगा। अब होलसेलर है तो हर चीज का कुछ ना कुछ आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक रखना होगा, क्योंकि रिटेलर आएगा तो वो 6 पीस 12 पीस 24 पीस तो वही लेगा, पेटी वही लेगा, तो हर चीज का एक स्टॉक आपको करना पड़ेगा। और किराना जनरल स्टोर में बहुत सारे आइटम होते हैं, लाखों आइटम है, हजारों कंपनियां हैं, ठीक है, तो सारे चीज का मेल रखना है, मेल वो रखना है जो आपके क्षेत्र में बिक रहा हो, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बिकती हैं, लेकिन जो टॉप ब्रांड है वो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह बिकते हैं। टॉप ब्रांड मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, PNG हो गया, जो आपको लगभग 50 से 70% जो दुकानों में चीज़ें बिकती है ब्रांड, ये दो कंपनी कवर कर लें, डाबर हो गया, हिमामी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेस्ले हो गया, कैडबेरी का हो गया, ठीक है, हल्दीराम हो गया, पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्ट आपको रखने होगा। इसके अलावा आप क्षेत्रीय आपके क्षेत्र में जो डिटर्जेंट, जो मसाले, जो क्रीम वगैरह बिकते हैं उसको भी आप कोशिश करें कि क्या बिकता है, बाकी दाल चावल चीनी चायपत्ती गुड़ ये सारी चीजें तो आपको रखनी होगी, क्योंकि ये कंपलसरी होता है किराना स्टोर के लिए, ठीक है। इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो 6 से 8 लाख रुपए आपके लग सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना दुकान कितना बड़ा है,
किस तरीके लेवल में आप खोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। आपके पास करोड़ों रुपए है वो भी लगा सकते हैं, आपके पास 5 लाख है उसमें भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 6 से 8 लाख रुपए में आप मेल रख सकते हैं, हर चीज बढ़िया से कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इंटीरियर में, यानी 10 से 10.5 लाख या 11 लाख रुपए हम पकड़ के चले तो ये दोनों चीज में आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो आप गोडाउन या रेंट देंगे, जो आपने एडवांस दिया होगा वो अलग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप दुकान ले तो मिनिमम अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो 10 से 15 साल का एग्रीमेंट जरूर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विदाउट एग्रीमेंट अगर आप लेते हैं तो कल को मालिक आपसे दुकान खाली करवा देगा या मनमाना किराया बढ़ाएगा तो दिक्कत होगा। उस एग्रीमेंट में आपको किराया किस तरीके से बढ़ेगा वो भी मेंशन करिए और एग्रीमेंट कितने साल का वो भी मेंशन करिए, ताकि आप मजबूत रहें और उतने साल तक आपको कोई हिला ना पाए, ताकि आप फ्री माइंड बिजनेस पे फोकस कर पाए। तो भैया चौथा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब पांचवा है जो मोस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भाई सामान कहाँ से खरीदेंगे। भाई आप एक होलसेलर हैं तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे दुकानों को देंगे माल, ठीक है, दुकानों से रिटेलर लेंगे, तो आप कहाँ से खरीदोगे। अब बहुत लोग बहुत दूर दूर सोचने लगते हैं कि मैं दिल्ली से लाऊंगा, बंबई से लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, वहां से लाऊंगा, ऑफर दूंगा, क्योंकि मैं होलसेलर हूं तो मैं रिटेलर को कैसे कितने प्राइस में दूंगा, पहले से मार्केट में होलसेलर हैं तो भाई मैं उससे सस्ता दूंगा, क्योंकि ये सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि जब हम नए नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। देखिए सामान आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, जैसे पार्ले का कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसका काम है होलसेलर को माल देना, कोई ब्रिटानिया के लिए है, कोई हल्दीराम के लिए है, कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए है, कोई पीएनजी के लिए है, कोई डाबर के लिए है, कोई नेस्ले के लिए है, कोई कैडबरी के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-10 कंपनियों का ही ले लेते हैं, कुछ कंपनियां सिंगल सिंगल चलती हैं, ठीक है। कुछ लोग अगरबत्ती का लिए हैं, कुछ लोग मसाले का लिए हैं, कुछ लोग हल्दी का लिए हैं, कुछ लोग सेवई का लिए हैं, कुछ लोग सोयाबीन का लिए हैं, कुछ लोग रिफाइन का लिए हैं, कुछ लोग तेल का लिए हैं। इस तरीके से हर चीज हो गया, कोई गल्ले का काम कर रहा है, ठीक है, कोई सब्जी का काम कर रहा है, भाई सब्जी भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो इन सारी चीज का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको खोजना पड़ेगा। भाई पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है आपके मार्केट में, उससे जाके मिलिए और बताइए भाई हम देखिए होलसेल के काउंटर खोलें, आपसे पूरा माल चाहिए, कैसे कैसे प्राइस है, वो आपको बता देगा। हल्दीराम के पास चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास जाइए, एक एजेंसी के पास जाएंगे वो 2-3 एजेंसी का आपका नाम बता देगा कि भाई उसके यहाँ जाए। तो इस तरीके से दुकान खोलने से पहले सभी लोगों के पास आप घूम लीजिए, नंबर ले लीजिए, दुकान खोलिए, फोन करिए, माल आपके दुकान पर आ जाएगा। आपको कोई खर्चा नहीं देना है ना माल का, सिर्फ और सिर्फ माल का पैसा देना है। आपको ट्रांसपोर्ट का भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि वो टोटल एजेंसी वाले अपने खर्चे पे आपको ला के देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फोन करना है, ऑर्डर लेना है, जितने का माल है उतने का। लोकल से लेंगे तो क्रेडिट भी मिल जाएगी बढ़िया, अगर आपका लेन देन रहेगा तो क्रेडिट भी मिल जाएगी, और जब क्रेडिट मिलेगी तो आप ज्यादा मेल लगा पाएंगे, अब ज्यादा मेल लगा पाएंगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, और कस्टमर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी बिक्री होगी, और जब बिक्री होगी तो आप कमाएंगे, क्या करेंगे, कमाएंगे। अब बात करते हैं कमाई वाली, लास्ट ऑप्शन, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है इस बिजनेस। देखिए भाई होलसेल का बिजनेस है तो प्रॉफिट मार्जिन जाहिर सी बात है कम ही होता है, कितना हो सकता है ऑन एवरेज, क्योंकि इसमें हजारों लाखों कंपनी है, हजारों लाखों प्रोडक्ट है, हजारों लाखों रेंज है, हर जगह में अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं, हर प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन है। जैसे तेल रिफाइंड की बात करें उसमें आपको 3 से 4% से ज्यादा आपको मार्जिन नहीं मिल पाएगी। अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो 1 से 2% ही मिलेगी, चीनी में 1 से 2% मार्जिन है, दाल में 2 से 3%, मतलब जो अनाज है उसमें अगर बात करें तो 3 से 4% की मार्जिन होती है। FMCG प्रोडक्ट में जाएं जो कि फास्ट कंज्यूम वाले प्रोडक्ट होते हैं, टी हो गया, ब्यूटी क्रीम हो गई, वैसलीन वगैरह हो गया, पाउडर वगैरह हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, उसमें 10% से 20% तक मार्जिन आपको होता है। यानी ऑन एवरेज अगर बात करें तो 5% मान के चलिए कि अगर आप होलसेलर हैं तो 5% बचाएं, यानी एक दिन में अगर आपने 20,000 रुपये का सेल किया तो 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं, ये मान के आप चलना कि भाई 20,000 हमने बेच दिया तो 1,000 कमा लिया, 10,000 बेच दिया तो 500 कमा लिया, 30,000 बेच दिया तो 1,500 कमा लिया। सिर्फ ये दिमाग में आपको रख के चलना है, और उसी कमाई में आपको रेंट भी देना है, अगर आपने किसी को रखा है तो उसका सैलरी भी देना है, बिजली का खर्चा भी देना है, और अपना भी खर्चा निकालना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप अच्छी जगह होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर आपसे जुड़ पाएंगे, अच्छा स्कीम चलाइए, अच्छा ऑफर चलाइए, अच्छा बात व्यवहार रखिए, अच्छा जो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे अच्छे से आप लेन देन करिए, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बिजनेस आप बहुत ज़बरदस्त कमा पाएंगे। देखिए अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं जितना मैंने आपको बताया 10 से 12 लाख रुपये, तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं इस होलसेल बिजनेस से, अगर अच्छी जगह पर हैं तो। थोड़ा सा भी अगर अच्छी जगह नहीं है तो भी 20 से 25,000 रुपये आप कमा सकते हैं इतने इन्वेस्ट, जो मतलब ठीक ठाक है जो आप कमा सकते हैं वही चीज़ मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा बताने से आपको फ़ायदा हो जाए या मुझे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो जो एक्चुअली है, जो मैंने किया है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये जानकारी पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि ये बिज़नेस अगर आप करते हैं तो कितने में शुरू करेंगे, कितना फ़ायदा होगा, कहाँ से सामान लेंगे, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की।
उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो एक समझ लीजिए एक लेसन है, एक आपका कोर्स है जो मैंने फ्री में प्रोवाइड कराया आपको। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें तुरंत, अगर आप यहाँ पे यानी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।